अज ही पता लगा भी उन्होंने उत्ते भाई वालों का कोई मतभेद से कोई लैन देन तो उन्होंने कल जो उत्थे दिन से हिसाब न दो ढाई बजे उस स्टोर में कि बाहर आए तो उन्होंने गोलियां मार दी जो भाई वाली से। हल्का सुल्तानपुर लोधी के बिधीपुर के दो सके भरावां नूं अमरीका दे विच गोलियां मार के कतल करन दी बेहद दुखदाई खबर सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही पिंड के परिवार दे विच सोग की लहर फैल गई है ते मापियां दा रो रो के बुरा हाल है। पिंड के सरपंच ने दस्सिया कि दिलराज सिंह अते गोरा 8 साल पहला अमरीका गए सन। दोवें भरावां नूं मौत दे घाट उतारन वाला व्यक्ति भी दोवां भरावां दा साथी ही दस्सिया जा रहा है। उन्हें दस्सिया कि पैसों के लैन देन लैके इन्हां विच तकरार चल रहा है, जिस तों बाद उन्हां दे साथी ने ही इस घटना नूं अंजाम दिता ते गोलियां मार के कतल कर दिता। मैं रणजीत सिंह पिंड बिधीपुर साढ़े गुआंढ साढ़े विचों सरदार कश्मीर सिंह जी जिन्हां दे दो लड़के दिलराजपाल सिंह ते गुरिकपाल सिंह अमरीका विच रहिंदे सीगे। उन्हां दा उत्थे काम बड़ा वधिया चलदा सी ते कुछ अज ही पता लगा भी उन्हां दे उत्थे भाई वालां नाल कोई मतभेद सीगे कोई लैन देन तो उन्होंने कल जिहड़ा उत्थे दिन सी उहदे हिसाब नाल दो ढाई बजे उस स्टोर विचों किते बाहर आए ते उन्होंने गोलियां मार दियां जिहड़े ओह भाई वाली सीगे उन्होंने ते दोनों नूं बेचारियां नूं मौके ते शायद मौत हो गई। उन्हां दी जिहड़ा वड्डा लड़का सी ओह तां ही मैरिज होई ही सी 4-5 साल दा 4-5 महीनों दा उहदा बच्चा छोटा जिहड़ा अजे कुआरा सी मापे जिहड़े उहदे विआह करन वास्ते सोच रहे सी जो कि इस परिवार नाल बहुत ही उन्होंने घिनौनी हरकत की। तुहानूं पता ही आपां बच्चों के आसरे नाल तां आपां तुरे फिरते रहिंदे आ ते जदों किसी दे घड़ी बच्चे ना होण ते मापियां दा भी की रह जांदा। जे कोई लैण देण वी सी जां मतलब लैणा तां इन्हां ने सी जो पता लगा वा उन्हां ने नहीं सी लैणा, पर जे कोई गल सी बैठ के कर लैंदे ते बहुत चंगी सी, पर उन्होंने एड्डी माड़ी घिनौनी हरकत करके साढ़े छोटे वीर कश्मीर सिंह दे उत्ते कहर ढा दिता जो कि सहण योग नहीं है। मंग करनी चाहुंदे हो? मंग तां बाद च यही होंदी आ जी, भी मतलब उन्हां दा जो होया उन्हां नाल परिवार दे नाल उहदा इंसाफ दिता जावे। ये ते आपां नूं पता वा भी ये परिवार दा जिहड़ा नुकसान हो गया उहदी कोई पूर्ति जिहड़ी आ उह नहीं हो सकदी ते घट्टो घट्ट जिहड़ा बंदा इह जिहे क्राइम करन वाला उहनूं इह जी सज़ा दित्ती जावे जिहदे नाल नाल आउण वालियां जिहड़े लोकी आ उहनां नूं वी इस गल दा मतलब एहसास होवे भी जे असीं इह कम करांगे असीं मुड़ के जिंदगी विच पछतावांगे। इस करके उहनूं सख्त तों सख्त मैं तो कहिंदा इहो जिहे बंदे नूं कोई जीवन का हक ही नहीं गा जिहड़ा यारी दे विच इहो जिहा कम करदा। इस परिवार का जो नुकसान हो गया वो कभी भी आपां पूर्ति तुहानूं वी पता ही आ पूर्ति आपां नहीं कर सकते। केंद्र सरकार जिहड़ी आ उहदी गाड़ी पुरजोर अपील वा खासकर विदेश मंत्री जी वास्ते भी वह इन्हां बच्चों की बॉडी लियाउण विच इस परिवार की जिहड़ी सहायता करे तां कि ये परिवार जिहड़ा इस वेले बहुत डुल्लिया हा ते घट्टो घट्ट अपने बच्चों दीआं जिहड़ीआं मृतक देहां वा उहनां नूं देख सकण ते अपने हत्थी उहनां दा जिहड़ा अंतम संस्कार जिहड़ा उह कर सकण। ਦਸਦੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।